नीचे देखो कैसी ढलान से ऊपर आया हूँ, कौन सी जगह पे। बकरियाँ यहाँ चली गई है, अब उधर जाने में भी डर लग रहा है भाई। बकरियों को चराना बहुत मुश्किल चीज़ है भाई। तो यहाँ पर ना जमीन पे बहुत सारे काफल गिरे हैं ऐसे, और इनको खाएंगे हम। ले गिर रहे हैं दरअसल यहाँ पे ना, कहा तो दादा की भी बकरियाँ आ गई भाई यहाँ पे चरने के लिए। तुम्हारा है ना नाना? देखो तीन हमारी है। यहाँ पर सारी बकरियाँ चल रही है इस एरिया में, अपने यहाँ पे चल रही है पीछे अलग से। भाई बकरियों को चराना बहुत मुश्किल चीज़ है भाई, बहुत मुश्किल चीज़। नीचे देखो कैसी ढलान से ऊपर आया हूँ, कौन सी जगह पे। बकरियाँ यहाँ चली गई है, अब उधर जाने में भी डर लग रहा है। मतलब ये वो है ना पाइन की लीप से यहाँ पे फिसल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं नीचे चलने की कोशिश करते हैं भाई, बहुत खड़ी ढलान है, अगर नीचे गिर गए ना फिसल गए तो फिर ऐसी तैसी हो जानी है फिर। तो ऊपर इस कोने में बैठा हुआ था भाई, ये जो अपनी बकरियाँ हैं ऊपर को आई, दो पत्थर गिराए एक साथ में भाई, एक इस लेवल पे पाँव के लेवल पे, और पाँव के लेवल से बचने के लिए दूसरा पत्थर सीधा यहाँ पे लग गया छाती पे। तो ये आपको हल्का हल्का रेडियस दिख रहा होगा यहाँ पे रेड कलर का, तो काफ़ी बड़ा पत्थर लग गया छाती पे। कोई बात नहीं यार, लगने वाली चीज़ है, कौन सा इसमें ज़्यादा वो करना भी नहीं चाहिए। अभी चलते हैं थोड़ा उस साइड में, और वहाँ से पहले नीचे करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ अगर और ऊपर में गए तो मेरी बस की नहीं है फिर ऊपर जाना। खैर यहाँ पर तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस साइड में नहीं जा पाऊँगा फिर मैं। तो इनको नीचे करते हैं, पहले उस साइड में चले गए नीचे ना, और वहाँ वो उस साइड में काफल कुफल तोड़ रहे हैं। नीचे को सारी बकरियाँ चल रही हैं और छुटकी वहाँ नीचे है। यहाँ से देखो यहाँ से कितना घना जंगल शुरू हो जाता है, तो ये पूरा अच्छा खासा जंगल है। और इस साइड में भी बहुत सारे काफल के पेड़ हैं भाई, बहुत सारे। तो एक ही टाइम पे दो काम करना मुश्किल है। ओए भाई फिसल गया था मैं यहाँ से। अरे नहीं 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 भाई, नहीं 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 ऐसा नहीं जाना, बहुत तेज़ी से जाऊंगा नहीं तो। वो नीचे वहाँ पे पहुँच गई बकरियाँ, और अपन इस जगह पे फंस गया भाई। तो डर भी लग रहा भाई नीचे जाने में। कोई बात नहीं चल लेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, कर लेगा अंकित भाई तू, ठीक है। तो नो टेंशन, जस्ट टेक योर एक्शंस, है ना। चलते हैं नीचे, चलते हैं। तो ऊपर से नीचे लेके आ ही गए भाई, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, और नंदनी उसके साथ में खेल रही है वहाँ पे, मज़ेदार भाई साहब। जिस टाइम पे पत्थर आया ना मुझे लगा कि उस पर लग गया, नंदनी पे लग गया, क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ खड़ी थी ना मेरे पाँव के नीचे जैसे। तो दो पत्थर इतने बड़े बड़े आए ऊपर से घूमते हुए, उसे मुझे मतलब एक हाथ से उठाना पड़ा ऐसे हवा में, और उसके बाद में एक यहाँ पे आके लग गया मेरी। नंदनी हवा में झूल के कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा, आ गए। तो यार इनको तो चराना भाई बहुत मुश्किल चीज़ है, मुझे लगता था कि ऐसी मज़ेदार चीज़ है इन बकरियों को चराना भाई, किसका मज़ेदार है, तो आज मेरा मज़ेदार कर देती। दादा वहाँ पे चरा रहे हैं बकरियाँ उस कोने में। तो ये बेसिकली ये गदेरा है ना यहाँ पे, जिसमें कि पानी बहता रहता है, और अपने गांव का पानी ऊपर से पीने का सप्लाई हो रहा है ऊपर में। चलो आजा आजा ऊपर आजा, ऊपर आ ऊपर आ, डंडे ही छोड़ दे नहीं मारेंगे। दादा की तो उस एरिया में चल रही हैं सारी की सारी, दादा सीटी बजा के मस्त तरीके से गाने गा रहे हैं बढ़िया तरीके से। हे नीचे जाओ, पेड़ भी अच्छा। चले चले चले।
दरअसल अगर ये चरेंगे ना तो इनका पेट दरअसल देर से भरेगा तो देर समझाएंगे, उससे अच्छा कि फटाफट से तोड़ के खिलाओ इनको, इनका पेट भर जल्दी कर जाओ, है ना। ये देखो छुटकी कैमरा पकड़ के रेडी रखी है, घर के लिए बोला घास। ये देख कीड़ा कहाँ फिश है, तो अभी के टाइम पे थोड़ा खाने देते हैं, जितना बचेगा फिर घर लेके चले जाएंगे। हाँ, ये तो है घर के लिए। मैंने भी जमा कर रखा। अभी और तोड़ देंगे ना वो वाला, ये वाला ऊपर वाला, फिर हो जाएगा घर के लिए। सामने दालचीनी का पेड़ है वो वाला, वो तेज पत्ता दिखाई दे रहा सामने। हाँ तेज पत्ता पता है क्या होता है? हाँ जी, तेज चमकता है, मसाला स्पाइस वो होता है तेज पत्ता। वो देख जिसका पेड़ वैसा हो रखा है नीचे से, देख लाल लाल। नहीं उसको रहने देते हैं, ज्यादा नहीं तोड़ना ना, जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ज्यादा, है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, यम यम खाने। चार बकरियां हमारी हैं, चारों। तो ये जो ऊपर से मैं जंगल दिखा रहा था वो वाला एरिया, और यहाँ से ये वाला नहीं, इसके उधर वाला वो खड़ी ढलान है दरअसल, तो मैं उस तरफ में गया था ऊपर बकरियों को लेने। उधर तो अभी जल्दी से चराते हैं इनको, फिर उसके बाद में घर लेके निकलेंगे इनको ना। और काफल भी पापा और इन्हें तोड़ ही दिए होंगे, क्योंकि उन तीनों पेड़ों पे अच्छे खासे काफल हो रखे हैं वहाँ पे। हिसल खाने में मजा आया? हाँ। तो हिसल हमने भर भर के खा दिया। हिसल नहीं बोलते उसे, हिसर बोलते हैं। हिसर? हाँ। अच्छा हिसर बोलते हैं। हाँ। अच्छा तो हिसल हमने बहुत सारी खा दिया, मतलब मजा आ गया। जो भी है एरिया में चल रही हैं बकरियाँ, थोड़ा हम जाते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ की ना लोकल मच्छियाँ बताते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मच्छियाँ होती है। हमारे यहाँ पे बड़ी मच्छियाँ नहीं होती है, छोटी छोटी होती है। छोटी होती है। हाँ। जिस पे ना कच्ची लगाते हैं। कच्ची का ज्यादा। भागी वो आपसे पहले ही। तो इसमें वो रही, ये देखो ये, वो रही एक ना, ये किनारे पे दिखाई दे रही है। ये तो पानी में नहीं रहते कब? हाँ अच्छा अच्छी है माँ। ज्यादा नहीं चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए, भागी वो। अच्छा। ये वाला एरिया देखो बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत। और दादी यहाँ पे क्या कर रही है? घास काट, बकरियाँ बकरियों के लिए घास इकट्ठा। यहाँ पर भी हो रखी है छोटी छोटी मछलियाँ। ये वाला पेड़ बड़ा प्यारा है भाई, बड़ा प्यारा पेड़, बहुत प्यारा। कैसे हो रखा ना, बिल्कुल सेंचुरी पेड़ की तरह। मछलियाँ ऐसे थोड़ी ना दिखेगी। तो ये वाला काफल का पेड़ है भाई, जिसमें कि बुआ और मम्मी चढ़ रखी है ऊपर। तो यहाँ पर काफल तोड़े जा रहे हैं और हम आ रखे हैं यहाँ पे नीचे। बकरियाँ भी यहाँ पर आ गए हैं चरने के लिए। ओए हम हिसर तोड़ रहे हैं। हाँ हम हिसर तोड़ रहे हैं। ठंडा जी, ठंडा ठंडा मची। क्यों आया? यक पहुंच गई। तो अभी बोला इस एरिया में बाघ का खतरा है, तो इसलिए बकरियों पे ध्यान देना है। हिसल और काफल हम छोड़ देते हैं अभी, देखो कितने सारे गिर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ना जमीन पे बहुत सारे काफल गिरे हैं ऐसे, लाल और काले, बिल्कुल जो काले हैं वो ज्यादा है। ये देखो चोटी ने बहुत सारे उठा दिए ना, तो हम इनको इकट्ठा करते हैं और खाते हैं। पेड़ में तो नहीं जाएंगे ऊपर, लेकिन नीचे से तो कलेक्ट कर ही सकते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा गंदगी भी है नहीं, मतलब कि भी आप सोचो कि इतना गंदा है ये चीज़ें, तो ये पूरा नेचुरल है, तो कोई गंदी वाली चीज़ है नहीं यहाँ पे। तुम काफल भी कहाँ से खाते हो?
ये मेरे को एक काफल मिल गए और इनको खाएंगे हम। मीठा बहुत अच्छी है ना। बकरियां भी इस एरिया में आ गई हमारी भाई, तो यहाँ पर चरने देते हैं थोड़ा और हम तब तक फोकस काफल पे करते हैं। दादी आपने मुझको वीडियो नहीं आया था काफल। ये काफल देखो दोस्तों, हाँ अब दिख रहा है ना। मुझको ब्लैक चाहिए। ब्लैक okay. है इसपे। हाँ सारे ग्रीन है। नहीं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हाँ, नहीं लगे तो सब्सक्राइब करें। अच्छा इसको क्या करें, एक कप नहीं ये गिर गया आपके वजह से। मैं खा दूँ? हाँ खा लो। तो अभी के टाइम पर ने काफल टीप दिए भाई, दोनों कैन भर गए हैं, साथ में एक पन्नी और भर गई है, ऊपर में एक और पन्नी रखी है पापा ने, तो बुआ ने और मम्मी ने यहाँ पे अच्छी खासी भर दी है मतलब पन्नियाँ। तो इस पेड़ पे मतलब नजदीक में होंगे नहीं वैसे काफल ही काफल, तो हम भी खाते हैं थोड़ा बहुत काफल। खाओ चलो। नहीं ये बकरियाँ है ना। तो बारिश यार दरअसल काफ़ी तेज़ लग गई है, थोड़ा सा यहाँ पर एक पेड़ है ऊपर में और थोड़ा सा अंदर को इसके अंदर में मतलब है सपोर्ट कि बारिश से भीगेंगे नहीं। यहाँ पर आके थोड़ा सा रुके हैं और जंगल से मतलब नीचे आते वक्त दिखाया नहीं क्योंकि मैं लाइव सेशन में था एक, तो उस टाइम पर दिखा नहीं पाया। मतलब आप बारिश देखो, बारिश बहुत तेज़ लगी है भाई, बहुत तेज़। उस साइड में देखो कितनी तेज़ लगी है बारिश। तो अभी थोड़ा सा बारिश का कम होने का इंतज़ार करें, जिस जो कि होना नहीं है, मतलब हमें निकलना ही पड़ेगा। तो देखते हैं निकलते हैं, क्या करें नंदिनी चलें हैं? हाँ। चल लेते हैं ना। चलो फिर, तुम कंधे में आओगे? नहीं। तुम भीगोगे नहीं? नहीं। भीग जाओगे नहीं तो चलो। हाँ नहीं तेज मत भागो, फिसला नहीं यहाँ पे, फिसला नहीं, भागो मत। यहाँ देखो यहाँ कैसा बारिश कैसी हो रखी है, आराम से चलो आराम से। तो देख रहे ओले गिर रहे हैं दरअसल यहाँ पे ना। हाँ बहुत तेज बारिश लगना शुरू हो गया। नीचे रास्ते पे चलो। मतलब वो पेड़ है ना ऊपर, इसलिए सीधा डायरेक्ट बूंद नहीं पड़ पा रही है, इसलिए यहाँ पे कम लग रही है बारिश, लेकिन जैसे खुले एरिया में जाएंगे फिर बहुत तेज बारिश लगेगी। हाँ ये देखो यहाँ पे बारिश, आराम से यहाँ पत्थर में फिसलना मत। ओलों से भी लग रही है यार, तुम पर नहीं लग रही है? आराम से, हाँ भागना नहीं है। देखो गिर गए थे, अरे भाई 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 भाई, हाँ बहुत तेज है ना, काफी तेज बारिश है यार, आराम से। तो आसमान भी कड़क रहा है, बारिश भी हो रही है। मेन पता क्या है, फोन और बैटरी भीग जाएगी कैमरे की दरअसल, बस मेन यही है। देख रहे हो बारिश। पत्थर के नीचे छिपे हैं है? हाँ। मजा आ रहा है? हाँ। अच्छा बकरियां हमने ऊपर ही छोड़ दिया, दादी लेके आ जाएगी उन बकरियों को। नानी। हाँ तुम्हारी नानी मेरी दादी। हाँ। वहाँ देख रहे हो बारिश कैसी तेज लगी है। चलें कम होगी शायद, चलो आराम से। हाँ फिसलना मत।
तो ये पूरा लकड़ी इकट्ठा हो रखी होती है यहाँ पे, लकड़ी इकट्ठा कर रखी होती है मतलब अपने गांव की। आजकल यहाँ पे कुछ दिन पहले आग लगी थी बहुत ही भयंकर, और वो अपना गांव आ ही गया बस। तो फाइनली भाई गांव में पहुँच गए, और अब तो यार पहुँच ही जाएंगे घर पे, अब कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा भीग जाएंगे हम अब क्योंकि ओपन एरिया में आ गए ना। तो दादी भी आ गई बकरी के लिए, है आना ची आना। हाँ तो मिट्टी की नंदनी इधर खुशबू आ रही है मिट्टी की बस। चल 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 भाग के, ओ उसमें मत जाया, इस वाले पत्थर में नहीं फिसलन है उसमें। चल चल तेज भाग। देख रहे हो अपने घर की तरफ में कितनी तेज बारिश है भाई, यहाँ पे बहुत तेज मज़ेदार है, लेकिन यार क्या करें मतलब जाना तो पड़ेगा, नहीं तो बहुत चीज़ें भीग जाएगी। पहुँच गए, ये देख रहे हो बारिश कैसी हो रही है भाई, भर भर के हो रही है बारिश, हवा भी चल रही है साथ में तेज ना। सामने देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो केशव भी आ गया भाई, भाई ओले गिर रहे हैं, दरअसल बहुत बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं भाई, बहुत बड़े बड़े। एक वहाँ पे गिराओ, बहुत बड़ा ओला गिरा वहाँ पे, देख रहे हो। बाकी मौसम देखो, मौसम कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत हो गया ना अभी के टाइम पे, खेतों में पानी भर गया है, बढ़िया। आगे बकरा ये देखो क्या सही है भाई, क्या सही है मौसम देखो, जबरदस्त बहुत प्यारा। तो दिन का टाइम, दिन के 2 बजने वाले हैं, और अभी के टाइम पर बारिश मतलब बंद हो गई है, बंद प्रॉपर नहीं हुई है, अभी हल्की फुल्की हो रही है मतलब। यहाँ पर देखो 2 ये कैन भरे हैं, बुआ के लिए लेके आए दरअसल, यहाँ पे 2 एक कैन, एक परात में भी है और साथ में इन पन्नियों में भी भरा है, मतलब इसमें भी है 1-1 किलो के लगभग है, 2-3 किलो जो भी है बहुत आया है। तो इसको तो खैर बुआ लेके जाएगी, बुआ के वहाँ पे काफल नहीं होते ना इसलिए। केशु भी इंतज़ार करा खाने का, तो अभी हल्की फुल्की बारिश फिर से लग गई है मतलब ना। तो अभी ऐसा करते हैं कि थोड़ा आग सेकेंगे, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बिस्तर के अंदर रहना चाहिए क्योंकि बारिश से कुछ ज़्यादा भीग गए ना, क्योंकि बारिश से कुछ ज़्यादा भीग गए हैं और ठंड की वजह से फिर तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ऐसा करते हैं अभी कि इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि आप सभी ने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और फेसबुक पे अभी तक अगर आपने विजिट नहीं किया तो मेरा चैनल का नाम है ओहो पहाड़ी, वहाँ पर जाके भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो अपडेटेड मिलती रहती हैं। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।